हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इफ़त और आज मैं एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का रियल न्यूज़ इंटरनेशनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ खबरों की जिनको सुनकर आपको बुरा भी लगेगा। आज की पहली खबर कि गुजरात के राजकोट में कल यानी संडे 15 जून 2020 रात को 8:13 पर आया भूकंप। इस भूकंप के झटकों को गुजरात के कई इलाकों में महसूस किया गया, जैसे कि कच्छ, राजकोट, मोरबी, जामनगर, अहमदाबाद और उत्तर गुजरात। लोग झटकों को महसूस करते ही अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इसमें किसी का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि भूकंप काफ़ी तेज़ था। तो दोस्तों, आज की दूसरी खबर है, मुंबई में लोकल ट्रेन्स हुई स्टार्ट, सिर्फ एसेंशियल कामों के लिए गवर्नमेंट स्टाफ के लोगों के लिए अलाउ। जी, मैं बात कर रही हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की। इस बात पर लोगों ने किए सवाल कि क्या बैंक स्टाफ एसेंशियल सर्विस में नहीं आता? वेस्टर्न रेलवे क्यों अलाउ नहीं कर रही है बैंक स्टाफ को लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए? बैंकर्स को लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही मुश्किल हो रही है। लोगों ने की मदद की दरख्वास्त। खबर है कि कुछ ही लोकल ट्रेन्स चलेंगी मुंबई में, सिर्फ स्टाफ के मेंबर्स को होगा अलाउड ट्रैवल करना। वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि जनरल पैसेंजर्स नहीं होंगे अलाउड लोकल ट्रेन्स में, ताकि स्टेशन पर भीड़ ना हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी खबर की जिससे हम सभी को काफ़ी दुख पहुंचा है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने एक छोटे से शहर पटना से निकलकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और लगन से अपना एक नाम बनाया, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने मुंबई के बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का कहना है कि सुशांत काफ़ी वक्त से डिप्रेशन में थे और वो इसका इलाज भी करवा रहे थे। ये तो थी कल की बात, लेकिन दुर्घटना को लेकर लोगों ने ट्विटर पर खड़े कर दिए हैं काफ़ी सवाल। जैसे कि लोगों का कहना है कि ज़्यादातर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। सुशांत ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बड़े बॉलीवुड सेलेब्स मुझे अपनी पार्टीज़ में इनवाइट नहीं करते। सुशांत का कहना था कि बॉलीवुड उनको एक फैमिली की तरह एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा भी एक रीज़न जो कि लोगों ने बताया कि सुशांत को कई प्रोडक्शंस ने कर दिया था बैन, जिसकी वजह से वो अब वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स ही कर सकते थे। लोगों ने सुशांत की आत्महत्या को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए, अपने अपने रीजंस दिए, लेकिन हकीकत क्या है ये तो अभी कोई नहीं जानता। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का। मिलेंगे अपनी अगली न्यूज़ में आप सभी से। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें रियल न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ नई खबरों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आप तक खबर पहुँचाते रहें, तो हमारी न्यूज़ को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।